hello learners welcome back to our channel study iq judiciary this is me arjita एंड uh, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में वील बी डिस्कसिंग पार्ट टू ऑफ आर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इवेंट्स के जो एमसीक्यूज हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं तो बेसिकली आज के इस सेशन में जो एमसीक्यूज आपके कवर होंगे वो है दिसंबर मंथ के यानी दिसंबर 2022 के जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देती हूँ कि आज के मेन इवेंट्स हमारे कौन से होने वाले हैं देखो दिसंबर में एक तो मेन हुआ था आपका फीफा ठीक है फीफा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है आपका उससे क्वेश्चंस पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके तो फीफा से रिलेटेड एक पूरा इवेंट एमसीक्यूज़ वगैरह जो है हम कवर करने वाले हैं हाय अनीता हाय रोहन त्रिपाठी वेरी गुड आफ्टरनून ठीक है फीफा है प्लस यूपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की आपकी न्यूज है वो भी डिस्कस करेंगे ऑल्सो स्पोर्ट्स के सेक्शन में स्पोर्ट्स के एरियाज में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे वो हमारे आज के सेशन के हाईलाइट होने वाले हैं ठीक है नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन गाइज अगर आपने अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए क्योंकि देखो आपके जो भी डाउट्स हैं पर्सनल क्वेरीज हैं मैंने कल भी बोला था मैं यहां पर नहीं ले पाऊंगी उसके अलावा आपके जो भी डाउट्स और क्वेरीज हैं न अप्रोच मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम वहां पे अगर आप हो यूज करते हो वहां पे यू कैन ड्रॉप मी वहां पर हम बात कर सकते हैं इंटरक्ट कर सकते हैं आपके जो भी डाउट है हाँ वेरी गुड आफ्टरनून ठीक है ऑल्सो एक बार सेशन के एंड में मैं आपको जुडिश्री महापैक के बारे में बता दूंगी एक डिफरेंट टाइप का कोर्स जो कि आपके लिए बनाया गया है जिसमें आपको सोलह स्टेट्स की तैयारी करवाई जाती है एक ही कोर्स के अंदर में ओनली इन द प्राइस ऑफ फोर्टीन नाइन नाइन इफ यू यूज द कोड ए आर जे प्लस अगर आप एक स्टेट की तैयारी कर रहे हो देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर दी स्मार्ट कोर्स ऑफ जुडिश्री ठीक है ये आपको मिल जाएगा दस हजार चार सौ निन्यानवे में बाय यूजिंग द सेम कोड तो कोर्सेज आपको किस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं कोर्स में क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं ये सारी चीजें एक बार सेशन के एंड में डिस्कस कर लेंगे हाय निशा हाय आयुषी चलो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे सीपीएन मेस्ट सेंटर चीफ पुष्पा कमल दाहल सॉरी प्राच नंदा नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन सी कंट्री के श्रीलंका नेपाल मलेशिया म्यांमार जल्दी से आंसर करो मैंने कल भी बताया था कल भी मैंने इस चीज के बारे में आपको बोला था कि हर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बदल रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं या इंडिया जिनके साथ किसी ग्रुप का पार्ट है जी सेवन हो गया आपका ठीक है सार्क नेशन नेशन ग्रुप ग्रुप हो हो गया हो गया उनमें से किसी कंट्रीज के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बदले हैं तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ठीक है सो द करेक्ट आंसर हियर इज व्हाट द करेक्ट आंसर इज नेपाल ठीक है नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर आपके बनाए गए हैं फोटो भी देख लो ठीक है नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर कैसे दिखते हैं तो चीफ पुष्पा कमल दहाल प्राचनंदा जो है नए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर आपके बनाए गए हैं दिस इज दी पर्सन ओके मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन मोनजी एक बार मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर देना क्या टेक्निकल इशू आपको आ रहा है उसके बारे में बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन किस पर्सन को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड आपका दिया गया है फटाफट जल्दी से आंसर बताइए जो रूट मेथ बेथ मियाद एमा राडूकानू एलेक्सिया ओके गाइस okay? देखो एक चीज है देर आर थर्टी टू पीपल सिटिंग वाई इज नॉट एवरीबडी गिविंग दी आंसर तुमको डर किस बात का लग रहा है कि गलत हो जाएगा तो यहाँ पे गलत कर सकते हो ना एग्जाम में गलती नहीं करनी है यहाँ पे गलत करके आओ बाकी किसी को तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही है गलत करोगे भी तो नथिंग टू बी एम्बारे अबाउट आई कैन ओनली सी अंजलि अंजलि का नाम प्रतिष्ठा का नाम मुझे पता नहीं अंजलि प्रतिष्ठा दिखती कैसी है तो देर इज नथिंग शर्म करने की कोई बात नहीं है आंसर so ही गलत होगा कोई तुमको जानता नहीं है तुम्हारे घर पे आगे कोई तुमको सुनाएगा नहीं ताने नहीं मारेगा तो प्लीज आंसर थर्टी टू पीपल सिटिंग बाकी ऐसे देखो मत नेटफ्लिक्स का सीरीज नहीं चल रहा है ठीक है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बेथ मियाद जो है उन्हें दिया गया है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अब बेथ मियाद आपके है कौन सो दिस इज बेथ मियाद किस चीज के लिए इनको ये स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है तो ये है इंग्लिश प्रोफेशनल फुटबॉलर ठीक है फॉरवर्ड पोजीशन पे ये खेलती है विमेंस सुपर लीग क्लब आर्सेनल से और इंग्लैंड की नेशनल टीम की भी जो है वो यहाँ पे ये पार्ट है ठीक है अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर साहित्य अकाडमी अवार्ड्स जो हैं वो आपके अनाउंस किए गए हैं अब साहित्य अकाडमी अवार्ड्स में बेसिकली देखो सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हैं अब एसएमई इसका साहित्य अकाडमी अवार्ड किसको मिला है गुजराती का किसको मिला है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा बट इसमें ये ध्यान रखना कि इंग्लिश का किसको मिला है ऑल द लाइव बी नेवर लिव्ड नॉवल का नाम है लिखने वाली कौन है अनुराधा रॉय तो इंग्लिश का यहाँ पे ध्यान रख लेना और हिंदी का ध्यान रख लेना बिकॉज यूपी इज अ हिंदी स्पीकिंग स्टेट ठीक है तो यूपी का ध्यान रख लेना सॉरी uh, हिंदी का तुमारी के शब्द पोएट्री की बुक है ये बाय रिटन बाय बद्री नारायण सो ये दो अवार्ड यहां पे आपको ध्यान रखने हैं इंग्लिश और हिंदी का किसको दिया गया है बाकी इफ यू लिस्ट एक बार चाहो तो ऊपर से देख सकते हो ठीक है साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान दो का अवार्ड डॉक्टर उदयानाथ झा को दिया गया है अब साहित्य अकेडमी बेसिकली है क्या ठीक है एक तरीके का लिटरेचर अवार्ड है जो कि आपका दिया जाता है भारत सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साहित्य अकेडमी अवार्ड की शुरुआत की थी कब 12 मार्च 1954 को ये स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो लाइक आई सेड सिर्फ करंट अफेयर्स हम नहीं करने वाले हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो जो स्टैटिक चीजें हैं वो भी हम आज के हम वीडियोज में डिस्कस करेंगे ठीक है तो साहित्य अकेडमी के जो अवॉर्ड दिए जाते हैं उसमें इंग्लिश लैंग्वेज वाले को भी अवार्ड मिलता है और राजस्थानी अवार्ड राजस्थानी लैंग्वेज वाले को भी अवार्ड दिया जाता है अपार्ट फ्रॉम दी 22 टू लैंग्वेजेस बाईस लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज कहां हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फटाफट आंसर करो जल्दी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दी हुई है पार्ट एट एर्थ पार्ट में दी हुई है ठीक है जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें बाइस लैंग्वेजेस आपकी बताई गई हैं, तो उन बाइस लैंग्वेजेस में तो अवार्ड दिया ही जाता है प्लस उसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी में भी हम अवार्ड देते हैं कौन सा साहित्य अकेडमी का नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पहली बार सेलिब्रेट किया गया फर्स्ट वीर बाल दिवस ठीक है छब्बीस दिसंबर को इनमें से कौन से स्टेडियम में सेलिब्रेट किया गया था फर्स्ट वीर बाल दिवस अब देखो ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोई सा इवेंट है कोई सा सम्मेलन है कोई सा आ, जो है वो या कोई सी भी चीज है जिसे पहली बार देश में सेलिब्रेट किया गया है ठीक है तो वो इसलिए हमारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है नाउ द करेक्ट आंसर हियर इज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहां पे है ये आपका दिल्ली में है वहां पे आपका फर्स्ट वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया गया था अगेन लॉन्च्ड बाय हुम नरेंद्र मोदी ठीक है तो पीएम ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था वीर बाल दिवस में 26 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया गया था मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में वोवी गु ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है क्योंकि यूपी से रिलेटेड है आपका सानिया मिर्जा टेनिस वाली सानिया मिर्जा नहीं ठीक है सानिया मिर्जा जो है पहली मुस्लिम विमेन फाइटर पायलट बनी है कहां से है यह सानिया मिर्जा प्रयागराज मिर्जापुर अयोध्या लखनऊ यह टेनिस वाली सानिया मिर्जा नहीं है मगेन सिंह दिस इज अ डिफरेंट सानिया मिर्जा द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू मिर्जापुर को बिलोंग करती हैं ये सानिया मिर्जा दिस इज सानिया मिर्जा ठीक है तो यूपी की ये जो आप, गर्ल है यूपी की ये जो लड़की है सानिया मिर्जा इंडिया की पहली मुस्लिम विमेन फाइटर पायलट बनी है एंड अगेन न्यूज यूपी से रिलेट करती है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ठीक है सानिया मिर्जा टेनिस वाली नहीं सानिया मिर्जा फर्स्ट विमेन मुस्लिम फाइटर पायलट ऑफ द कंट्री मिर्जापुर यूपी ठीक है ये आपको ध्यान रखना है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन फीफा ने अपनी ऑफिशियल रैंकिंग्स 2022 की वर्ल्ड रैंकिंग्स जो है वो रिलीज की थी कौन सी कंट्री ने टॉप किया है इन रैंकिंग्स को अर्जेंटीना फ्रांस ब्राजील बेल्जियम फीफा की ऑफिशियल 2022 की वर्ल्ड रैंकिंग्स को किस कंट्री ने टॉप किया है अर्जेंटीना फ्रांस ब्राजील बेल्जियम फटाफट ब्राजील नॉट अर्जेंटीना ब्राजील इज दी करेक्ट आंसर ठीक है So, ये रही आपकी रैंकिंग्स फीफा की सबसे फर्स्ट नंबर पे है ब्राजील सेकेंड नंबर पे है मोरक्को थर्ड पे है फ्रांस फोर्थ पे बेल्जियम फिफ्थ पे इंग्लैंड ठीक है इंडिया की पोजीशन भी इसमें देख लो पूछी जा सकती है इंडिया इज एट हंड्रेड एंड सिक्स पोजिशन पाकिस्तान भी देख लो वन नाइनटी फिफ्थ पोजिशन पे है तो ये है आपकी रैंकिंग्स Moving on to next one, Good Governance Day 2022 सेलिब्रेट किया जाता है 25 दिसंबर को किसकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में गुड गवर्नेंस डे हम बनाते हैं लाल बहादुर शास्त्री सरदार पटेल अटल बिहारी वाजपेयी राजेंद्र प्रसाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ द कंट्री उनके बर्थ uh, एनिवर्सरी के उसमें गुड गवर्नेंस डे बनाया जाता है एब्सोल्युटली करेक्ट रोहन अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी द द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री इनके बर्थ एनिवर्सरी जो होती है 25 दिसंबर को उस दिन बनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे लॉ से रिलेटेड थोड़ा बहुत टॉपिक है गुड गवर्नेंस तो इसलिए ध्यान रखना तो गुड गवर्नेंस कब होता है 25 दिसंबर 25 दिसंबर क्या अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी ठीक है अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लो तो हर साल बेसिकली इंडिया के जो आ, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी इनके बर्थडे वाले दिन बनाते हैं गुड गवर्नेंस डे ठीक है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था ये 2014 में कि भाई 25 दिसंबर बनाया जाएगा एज दी गुड गवर्नेंस डे हर साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की मेमोरी में ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट भाई ये है अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे टेंथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे बाईस मई 22 मई 2004 तक देश के ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन कौन सी सिटी पहला फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट इंडिया में होस्ट करेगी या कर चुकी है हाय साहिल राठी वेरी गुड आफ्टरनून कौन सी सिटी इंडिया की फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट होस्ट करने वाली है इंडिया में मुंबई दिल्ली गोवा बेंगलुरु गोवा नॉट बेंगलुरु गोवा द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है डब्ल्यू टी टी स्टार की जो कंटेंडर है गोवा दो हजार गोवा में आपका ये करवाया जाएगा 2023 में ठीक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम जो है वहां पे इस इवेंट को कंडक्ट करवाया जाएगा गोवा यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये आपका इवेंट होगा ठीक है चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन अच्छा नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर न्यूज ठीक है स्पोर्ट्स से रिलेट करती है तो 2022 में आपकी एक लिस्ट निकाली गई थी दुनिया की वर्ल्ड की जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स कौन कौन सी हैं इंडिया की एक ही ऐसी फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन है जिसका नाम इस लिस्ट में आया था बाकी सारी बाहर की थी ठीक है तो ये लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसने इस लिस्ट को टॉप किया था सबसे टॉप पे है नायोमी ओसाका टेनिस खेलती है जापान को बिलोंग करती है देन सेरिना विलियम्स अगेन टेनिस प्लेयर यूएसए पहला वाला बस ध्यान रखो कि भाई सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड विमेन एथलीट कौन सी है दुनिया की दैट इज नायोमी ओसाका टेनिस स्पोर्ट्स खेलती हैं हैं जापान की इंडिया की इंडिया की कौन सी फीमेल एथलीट का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया था दैट इज पीवी पीवी सिंधु सिंधु यानी कि बैडमिंटन खेलने वाली जो है आंध्र प्रदेश को बिलोंग करती हैं शी इज द ओनली इंडियन फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन जिनका नाम इस लिस्ट में आया है तो पीवी सिंधु इंडिया से जो लिस्ट में इंक्लूड uh, की गई है नायोमी ओसाका वर्ल्ड की हाइएस्ट पेड फीमेल एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन ठीक है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन स्पेन के राफेल नडाल एंड कौन से दूसरे कंट्री uh, के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको आई वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का अवार्ड दिया गया है इगा स्वातक कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं ये दो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको साथ में आई वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का अवार्ड दिया गया था तो इगा स्वातक कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं नीदरलैंड पोलैंड न्यूजीलैंड स्विट्जरलैंड यस अंजलि एब्सोलूटली करेक्ट आंसर ही बिलोंग्स टू पोलैंड ठीक है तो ये है आपके दोनों स्पोर्ट्स पर्सन रफेल नडाल एंड इगा स्वातक जो हैं इन दोनों को मिलके आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियंस 2022 का अवार्ड जो है वो दिया गया था ठीक है तो रफेल नडाल स्पेन को बिलोंग करते हैं स्पेनिश प्लेयर हैं इन्हें मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन आईटीएफ ने वर्ल्ड चैंपियनशिप दो का अवार्ड दिया था बार, फिफ्थ टाइम जीतने वाले ये अवार्ड है रफेल नडाल ठीक है इसके पहले भी 2008, 2010, 2017, 2019 में इनको ये अवार्ड दिया जा चुका है तो रफेल नडाल ने जो है वो पांचवी बार ये अवार्ड आपका आईटीएफ जो है वो अवार्ड आपका यहाँ पे जीता है पोलैंड की जो टेनिस प्लेयर हैं दैट इज ईगा स्वातक आ, इन्हें विमेन आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने 2022 में दो ग्रैंड स्लैम टाइटल्स आपके जीते हैं और इन टोटल आठ बाकी टाइटल्स हैं जिन्होंने 2022 में विन किए हैं तो का, काफी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स का अवार्ड है ये टेनिस से रिलेटेड तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रो कबड्डी लीग देखो इंडिया का काफी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स का इवेंट है ये ठीक है इंडिया में सिर्फ आईपीएल नहीं चलता है तो ये मत सोचना कि सिर्फ आईपीएल आईपीएल या क्रिकेट क्रिकेट पढ़ के जाएंगे तो वहीं से क्वेश्चन आएंगे इंडिया में और भी स्पोर्ट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं स्पेशली ये वाला क्योंकि ये टीवी पे भी टेलीकास्ट होता है और बहुत सारे लोग इसको देखते भी हैं ठीक है पिंक पैंथर्स कौन सी टीम है जिन्होंने नाइन्थ प्रो कबड्डी लीग टाइटल आपका जीता है एब्सुलटली करेक्ट अंजलि प्रतिष्ठा दीप्ति द्विवेदी बच्चन ठीक है तो अभिषेक बच्चन की टीम है ये पिंक पैंथर्स जयपुर से खेलती है तो जयपुर की पिंक पैंथर्स ने जीता है क्या नाइन्थ प्रो कबड्डी लीग टाइटल आपका ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हाँ, तो बेसिकली पुनेरी पलटन को इन्होंने हराया था यहाँ पे अपना सेकेंड टाइटल यहाँ पे जीतने के लिए पटना के बाद जयपुर पिंक पैंथर्स जो है इनका फर्स्ट एवर ये विनर्स यहाँ पे रहे हैं ठीक है इसको जीतने वाले तो इनको इनको किस, किसको हरा के ये बने हैं पुनेरी पल्टन को यहाँ पे हरा के ये बने हैं तो एक बार ये आपकी लिस्ट है यहाँ पे सारी कि किस किस ने पहले पहले भी जीता हुआ है वैसे ये पूछा नहीं जाएगा इस साल कौन जीता है वही पूछा जा सकता है इसके पहले कौन जीता है आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी आस्ट Moving on to next one, कौन सी यूनिवर्सिटी ने क्लॉडीन गे को नेम किया है एस फर्स्ट एवर ब्लैक प्रेसिडेंट देश का प्रेसिडेंट नहीं है ये एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनाए गए हैं क्लॉडिन गे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कोलंबिया हार्वर्ड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी या फिर ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड नहीं ऑक्सफर्ड के अलावा भी बाकी इंपॉर्टेंट यस मृणाल एब्सलूटली करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ठीक है तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या किया है क्लोडीन गे को अपॉइंट किया है एज द फर्स्ट एवर ब्लैक प्रेसिडेंट जो बनाए गए हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इससे पहले कभी भी कोई ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं रहा है इस यूनिवर्सिटी का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ठीक है अच्छा नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अपॉइंट किया है फर्स्ट एवर चांसलर ऑफ दी शक्ति यूनिवर्सिटी अब तुम सोचोगे कि मैम ये यूनिवर्सिटी के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं अब ये यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं अभी बताऊंगी ठीक है पहले क्वेश्चन का आंसर करो गति शक्ति यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर अपॉइंट किए गए हैं बाई दी रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव कहां पर है गति शक्ति यूनिवर्सिटी आपकी सूरत वडोदरा गांधीनगर राजकोट एब्सोल्युटली करेक्ट अंजलि प्रतिष्ठा आर आरू यस करेक्ट आंसर तो वडोदरा में है आपकी गतिशक्ति यूनिवर्सिटी अब देखो ये यूनिवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी ठीक है सबसे पहले तो गतिशक्ति यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर जो है वो बनाए गए हैं ठीक है, है? बाय दी रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ठीक है अब गतिशक्ति यूनिवर्सिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट दूनियन कैबिनेट इन जुलाई दो हजार बाईस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस इसको दिया गया है ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था एक बिल इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में जहां पर यूनिवर्सिटी का नाम पहले कुछ और था पहले इस यूनिवर्सिटी का नाम था नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट तो लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस करके इस यूनिवर्सिटी का नाम बदल के क्या किया गया था गतिशक्ति विश्वविद्यालय एक ऑटोनॉमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी किया गया था इसलिए ये यूनिवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको करवाया है ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन कंट्री का लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है कंट्री का लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल भारत के कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है अमृतसर न्यू डेली मुंबई कोचिन आई एम जस्ट टेकिंग अ वाटर ब्रेक टिल देन यू गाइज आंसर द क्वेश्चन नो इट्स नॉट मुंबई यार एक मुंबई का ही थोड़ी ना फेमस है बस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोचिन द करेक्ट आंसर इज कोचिन यानी कि साउथ का जो एयरपोर्ट है सॉरी साउथ का जो एयरपोर्ट है कोचिन वो है कंट्री का लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल ठीक है इट्स नॉट न्यू डेली मुंबई इट्स कोचिन ठीक है ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आज हाँ ठीक है चलो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कल भी मैंने आपको बताया था कि जहां जहां भाई भारत के पास किसी भी चीज की प्रेसिडेंसी आ रही है भारत कहीं पे भी चेयरमैन बन रहा है ऑल दो न्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आई है किसकी यूएनएससी की यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, की आई है दिसंबर 2022 की आई थी ठीक है यूएनएससी के कितने परमानेंट मेंबर्स हैं अब भाई ये करंट अफेयर्स की भी न्यूज है और ये स्टैटिक के भी है आपके लिए अंजलि बिल्कुल सही अंजलि एंड श्वेता एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर तो भाई पांच परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूएनएससी के और दस कितने होते हैं नॉन परमानेंट होते हैं जिन्हें हर दो साल के लिए अपॉइंट किया जाता है ठीक है तो इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आई है यूएनएससी की दिसंबर 2022 के लिए आई थी ठीक है आ, इंडिया को पहले भी यूएनएससी की प्रेसिडेंसी मिल चुकी है अगस्त 2021 में पांच देशों के अगर नाम पूछ लिए जाएं कि कौन से पांच परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तो भाई फ्रांस यूएसए यूके रशिया चाइना फुकार ठीक है फुकार यानी कि एफ यू यू सी आर फुकार से इसको ध्यान रखना फुकार ठीक है फ्रांस यूके यूएसए चाइना रशिया पांच परमानेंट मेंबर्स आपके यूएनएससी के ठीक है यूएनएससी uh, के बारे में आप देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आपके यूपी के एग्जाम में पूछे जाते हैं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कहां पे है न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड स्टेट्स में एंड कब फाउंड हुई थी 24 अक्टूबर 1945 यानी जो यूएन का फाउंडिंग फाउंडिंग डेट है वही आपके यूएनएससी का भी फाउंडिंग डेट है चौबीस अक्टूबर नाइनटीन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन पीटा इंडिया ने Uh, किस पर्सन को पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया है किस सेलिब्रिटी को आलिया भट्ट ऐश्वर्या राय सोनाक्षी सिन्हा प्रियंका चोपड़ा पीटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर कौन बना है आलिया भट्ट ऐश्वर्या राय सोनाक्षी सिन्हा प्रियंका चोपड़ा एब्सोल्युटली करेक्ट uh, लाडली अंजलि आयुषी पांडे बिल्कुल सही बिल्कुल सही सोनाक्षी सिन्हा इज दी करेक्ट आंसर तो पीटा इंडिया के हिसाब से सोनाक्षी सिन्हा हैज बीन नेम्ड एज पर्सन ऑफ द ईयर लास्ट ईयर का वैसे तो पूछेंगे नहीं बट इनके जाए कि 2021 का कौन था तो लास्ट ईयर ये सेम टाइटल आलिया भट्ट को दिया गया था इन द ईयर 2021, 2022 का कौन है सोनाक्षी सिन्हा ठीक है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन अच्छा हाँ पीटा का बेसिकली फुल फॉर्म क्या होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स तो भाई एनिमल जानवर प्रेमी जितने लोग होते हैं नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं ठीक है एनिमल्स के साथ किसी भी तरीके की क्रुअलिटी नहीं होने देते हैं दैट ऑल इज पीटा ठीक है 1980 में फाउंड किया गया था पीटा आपका और एनिमल राइट्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है पीटा आपकी जो कि फाइट करती है एनिमल्स के साथ जो भी बुरा ट्रीटमेंट बैड बिहेवियर क्रुअल्टी वगैरह की जाती है उससे फाइट करने के लिए ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन 599th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक इंडिया आपकी कंडक्ट करवाई गई थी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश कौन से साल में हुआ था करंट अफेयर्स की न्यूज़ है बट मेरा स्टैटिक का क्वेश्चन ये है कि भाई 599th मीटिंग आरबीआई की करवाई गई आरबीआई एस्टैब्लिश कब हुआ था एब्सोल्युटली करेक्ट अंजलि प्रतिष्ठा आयुषी यस करेक्ट आंसर सर्वेश कुमार भाटी 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका स्टैब्लिश किया गया था फटाफट से बता दो आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है क्योंकि मैं तो आगे बताई दूंगी आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है जल्दी हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांता दास करेक्ट प्रतिष्ठा मिनाल शोभित सिंह यस yes, ठीक है तो 599th मीटिंग आपकी करवाई गई किसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका का, 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 कौन कौन से साल में एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था एंड मीटिंग ऑब्वियसली चेयर की गई थी बाय दी करंट आरबीआई गवर्नर दैट इज शक्तिकांत दास तो 2019 से शक्तिकांत दास ही आरबीआई के गवर्नर बने हुए हैं अब डे द इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द डे विच आई थिंक जिससे क्वेश्चन बनना ही चाहिए एग्जाम के अंदर में क्योंकि वन ऑफ लैंडमार्क इवेंट जो कि स्पोर्ट फील्ड में आपका करवाया जाता है दैट इज दीफा दो हजार बाइस अब फीफा दो हजार बाईस से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक बार उसको कवर कर लेते हैं ठीक है सबसे पहले तो कौन सी कंट्री ने फीफा जीता कौन सी कंट्री ने जीता तो अर्जेंटीना ने बेसिकली कतार ठीक है कतर में हो रहा था आपका फीफा वर्ल्ड कप इस साल का तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीतने वाली कंट्री है आपकी अर्जेंटीना किसको हरा के जीता फ्रांस को हरा के जीता ठीक है तो फ्रांस आपकी गई थी आ, फाइनल्स में अर्जेंटीना ने फ्रांस को यहां पे हराया था डिफीट किया था अब ये है इंपॉर्टेंट अवार्ड जो कि आपको पता होने चाहिए इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा अगर फीफा से क्वेश्चन आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड गोल्डन बूट अवार्ड किसको दिया जाता है जिसने सबसे ज्यादा गोल्स किए हैं सबसे ज्यादा गोल्स किसने किए एम फ्रांस के जो प्लेयर हैं आठ गोल्स इन टोटल इन्होंने किए थे सिल्वर बूट उससे एक कम गोल करने वाले सात गोल करने वाले लियोनेल मेसी अर्जेंटीना ठीक है ब्रॉन्ज बूट चार गोल करने वाले ओलिवियर गिरड फ्रांस को बिलोंग करते हैं ये okay? ओके उसके बाद आ, आपका गोल्डन बॉल अवार्ड एमवीपी मोस्ट वैल्यूड प्लेयर कौन था फीफा का अगेन दैट वाज मेसी फ्रॉम अर्जेंटीना गोल्डन ग्लव अवार्ड ये किसको दिया जाता है ओके uh, ओके okay. uh, okay, मैं वो भूल रही हूं जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड बेसिकली गोल गोलकीपर ठीक है गोलकीपर को बेस्ट गोलकीपर जो रहा है फुटबॉल का उसे गोल्डन ग्लव अवार्ड आपका दिया जाता है दैट वॉज यंग प्लेयर अवार्ड एनजो फर्नांडिस अर्जेंटीना फेयर प्ले अवार्ड तो भाई सबसे अच्छा प्लेयर कौन रहा है फीफा का तो दैट वॉज गिवन टू इंग्लैंड सिल्वर बॉल काइलेन बापे एंड ब्रॉन्स प्लेयर लुका मॉड्रिक लूका मॉड्रिक ठीक है इज ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कि आपको फीफा के पता होने चाहिए फीफा से इसके बाहर और कोई अवार्ड आपसे नहीं पूछा जा सकता फीफा से इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आ सकता या तो आएगा कि भाई कंट्री किसने जीती कौन सी कंट्री थी जीतने वाली या फिर ये अवार्ड्स पूछे जा सकते हैं इसके अलावा और कोई क्वेश्चन फीफा से आपसे नहीं बन सकता ठीक है अगर स्टैटिक की बात करें अब अगर स्टैटिक की बात करते हैं तो स्टैटिक में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं दैट इज ब्राजील पांच उसके बाद सेकेंड जर्मनी चार और तीसरे नंबर पर इटली है आपका चार ठीक है द अदर नेशंस टू विन फीफा वर्ल्ड कप मोर देन वन सार अर्जेंटीना जीत चुकी है तीन बार फ्रांस दो बार ठीक है तो uh, सबसे ज्यादा बार जीतने वाली ब्राजील है वो आपको ध्यान रखना है अब फीफा 2022 से और क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं भाई 2022 का मोटो क्या था नाउ इज ऑल थीम सॉन्ग बेसिकली क्या था बेटर टुगेदर फुटबॉल का नाम क्या था तो जो फुटबॉल यूज की गई थी फी, फीफा वर्ल्ड कप में इस साल उसका नाम था अल रीला किसके द्वारा बनाई गई थी एडिडास फोर्टीन एडिशन अल रीला का मतलब क्या होता है सफर जर्नी अरेबियन में या फिर इंग्लिश में ठीक है मैस्कॉट कौन था लाइव ठीक है यही इंपॉर्टेंट चीज है फीफा में और इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की यहां पे जरूरत नहीं है ठीक है आ, ये रही आपकी लिस्ट एक बार लिस्ट वापस से वा, वापस से आप देख लो ठीक है आ, ब्राजील सबसे ज्यादा बार जीत चुका है देन यू हैव जर्मनी देन इटली देन अर्जेंटीना देन फ्रांस Uh, वैसे तो ब्राजील ही ध्यान रखो यहां कि पांच बार सबसे ज्यादा टाइटल जीतने वाला ब्राजील है आपका उसके अलावा और कोई किस कंट्री की एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज यूएसए मलेशिया म्यांमार नेपाल दैट द शांत दैट द सॉन्ग थीम सॉन्ग ऑफ फीफा वर्ल्ड कप एब्सलूटली करेक्ट अंजलि नेपाल नेपाल इज द करेक्ट आंसर तो सूर्य किरण जो है एक मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच कंडक्ट करवाई जाती है ठीक है तो सिक्सटीन एडिशन इसका करवाया गया था इंडो नेपाल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का ओके सो so, इंडिया और नेपाल की एक्सरसाइज है ये मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन आसाम गमोसा अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दिस इज रिलेटेड टू जी आई टैक्स यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स आपके ठीक है तो असाम गमोसा एक और कोई चीज और लद्दाख एप्रिकॉट ये कुछ चीजें हैं जिन्हें इस साल जी आई टैग्स बेसिकली आपका मिला है फिल इन द ब्लैंक्स ये कौन सी चीज है कहां का तंदूर रेड ग्राम जो है उसे जी आई टैग दिया गया है उत्तराखंड आसाम तेलंगाना हिमाचल प्रदेश एक तो असम का गमोसा है दूसरा तंदूर रेडग्राम कहा का एंड तीसरा लद्दाख का एप्रिकॉट ये तीन चीजें हैं जिन्हें जी टैग आपका दिया गया है द करेक्ट आंसर इज तंदूर रेडग्राम ऑफ तेलंगाना तो ये तीन चीजें हैं जिन्हें जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बेसिकली आपका दिया गया है असम गमोसा तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख का एप्रिकॉर्ड कुछ आइटम्स हैं जिन्हें इस साल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है सरकार की तरफ से तो इंडिया में इन टोटल ऐसी कितनी चीजें हैं जिन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल चुका है दैट इज फोर यानी इन तीन चीजों को मिला के नाउ द नंबर इज फोर इन द इंडिया जिन चीजों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग भारत में मिला हुआ है ठीक है कौन से स्टेट्स हैं जिनके पास सबसे ज्यादा जीआई टैग्स हैं। इसमें एक है उत्तर प्रदेश कर्नाटका तमिलनाडु उत्तर प्रदेश कर्नाटका सॉरी कर्नाटका दो बार हो गया ठीक है कर्नाटका तमिलनाडु उत्तर प्रदेश केरला ये आपके स्टेट्स हैं जिनके पास सबसे ज्यादा जीआई टैग्स हैं है इंडिया में यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन राफेल नाउ रफेल जेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मामला आपका सुप्रीम कोर्ट तक गया है काफी ज्यादा बवाल काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स उस पर हुए हैं तो जो लास्ट रफेल जेट था इंडिया ने जो फ्रांस से मंगाया था वो फाइनली आपका इंडिया आ गया था कौन से नंबर का जेट था वो इन टोटल बेसिकली कितने जेट्स इंडिया ने राफेल जेट्स जो है वो फ्रांस से परचेस किए थे थर्टी फोर नहीं द करेक्ट आंसर इज थर्टी सिक्स इन टोटल छत्तीस रफेल जेट्स हमने फ्रांस से मंगाए थे जो आखिरी नंबर का जेट था वो भी फाइनली आपका लास्ट दिसंबर में इंडिया पहुंच चुका था ठीक है तो इंडिया रिसीव्ड रफे थर्टी सिक्स एंड लास्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस दिसंबर 2022 में ये आपका आ चुका था मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन 2022 की ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट आपकी निकाली गई इसके हिसाब से इंडिया कौन सी रैंकिंग पे है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स यानी इसमें सारी चीजें आपकी देखी जाती हैं देश में खाने की सिचुएशन क्या है फूड का कल्टीवेशन किस तरीके से है लोग खाना अफोर्ड कर पा रहे हैं सस्टेनेबल ग्रोथ है कि नहीं खाना क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने में कितने लोग खाना अफोर्ड कर पा रहे हैं कितने लोग है, लो भुखमरी से मर रहे हैं ये सारी चीजें इसमें कंसिडर की जाती हैं हाँ, तो इंडिया की पोजीशन इसमें रही है सिक्सटी एथ पोजिशन पे हम यहाँ पे रहे हैं यानी कि पिछले साल की रैंकिंग से पिछले साल की रिपोर्ट से इंडिया की पोजीशन में यहाँ पे सुधार हुआ है बेटर हुआ है ठीक है तो टॉप कंट्रीज जो कि आपकी रही हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में दैट इज फिनलैंड आयरलैंड एंड नॉर्वे इसमें आपको ध्यान रखना है सिर्फ दी फर्स्ट कंट्री ध्यान रखो फिनलैंड जिसने टॉप किया है ठीक है एंड इंडिया की पोजिशन इसमें बेसिकली क्या रही है तो इंडिया रहा है सिक्सटी पोजीशन पोजिशन पे लास्ट ईयर 2021 की रैंकिंग में हम सेवेंटी फर्स्ट पोजिशन पे थे अब पे पे आ गए पे आ गए गए हैं हैं यानी कि तीन पोजिशन से हमने सुधार किया है इंप्रूव यहां पे हमने किया है इन दी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स मूविंग ऑन टू तो नेक्स्ट वन कौन सी अरेबियन कंट्री ने फर्स्ट एवर अरब बिल्ड लूनार स्पेसक्राफ्ट अपना लॉन्च किया अब देखो सबसे पहली बार किसी अरेबियन कंट्री ने किया है दैट्स व्हाई दिस न्यूज गेट्स अ लिटिल इंपॉर्टेंट फर्स्ट एवर अरेबियन बिल्ट लूनार स्पेसक्राफ्ट कौन सी कंट्री से लॉन्च किया गया है शोभित सिंह करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज यू एज द फर्स्ट अरेबियन कंट्री जिन्होंने फर्स्ट एवर अरब बिल्ड ल्यूनार स्पेस क्राफ्ट आपका लॉन्च किया है नेक्स्ट वन ना दिस इज अनदर क्वेश्चन जो कि फीफा से पूछा जा सकता है आपसे कि भाई कौन सी ऐसी एफ्रीकन कंट्री है द फर्स्ट एवर एफ्रीकन कंट्री जो की सेमी फाइनल्स में पहुंची इन द फीफा वर्ल्ड कप दो हजार बाईस नोरा फतेह को अगर फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे तो यू वुड नो द आंसर because Nora Fatehi was very happy because Nora Fatehi is from this country. कौन सी पहली अफ्रीकन कंट्री है जो कि फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स तक पहुंची है यस yes, दीप्ति शोभित मृणाल शांतनु लाडली एब्सुलटली करेक्ट आंसर दैट इज मोरक्को ठीक है तो कैमरून इसके पहले 1990 सेनेगल 2022 और घाना जो है ये सब क्वार्टर फाइनल्स तक आई थी यानी इसके पहले कोई भी अफ्रीकन कंट्री फीफा वर्ल्ड कप में सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर फाइनल्स तक गई थी कोई भी कंट्री सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंची थी मोरक्को वाज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री दिस ईयर जो कि सेमीफाइनल तक पहुंची इन दी फीफा वर्ल्ड कप इसके पहले कोई भी कंट्री नहीं पहुंच पाई थी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन किस पर्सन को टाइम्स मैगजीन ऑफ दर दो हजार दिया गया है अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ दर दो हजार बाइस मिला है नरेंद्र मोदी व्लादिमिर जेलेंसकी जो बाइडेन गौतम अडानी यस रोनाल्डो हॉज क्राइंग इन दिस नो या रोनाल्डो वॉज क्राइंग इन दिस मैच एप्सल्यूटली करेक्ट यस इट्स जेलेंस्की, हु इज जेलेंसकी बहुत ज्यादा ये करंट अफेयर्स में रहे हैं इस साल 2022 तो बहुत ही ज्यादा करंट अफेयर्स में रहे हैं ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में हु इज जेलेंसकी हाँ, हाँ सबके करेक्ट आंसर हैं अंजलि दीप्ति लाडली करेक्ट आंसर हु इज दिस पर्सन एब्सल्यूटली करेक्ट ठीक है यूक्रेन ठीक है सो यूक्रेन एंड रशिया का जो एक टाइप का वॉर चला है इस साल ठीक है उसके चलते उसकी वजह से वाज इन न्यूज़ अलॉट एंड फॉर दी जिस तरीके का इन्होंने आ, क्या बोलना चाहिए कंडक्ट था जो इनका उस पूरे टाइम जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा था उसकी वजह से उसके चलते हुए टाइम्स मैगजीन ने इनको पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है एंड इन द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन ठीक है दीपांकर uh, दत्ता okay, ने ओथ ली एज दी नेक्स्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजेस की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी बताई गई है जस्टिस दीपांकर दत्ता ने नए जज बने सुप्रीम कोर्ट के इज स्टैटिक अफेयर ए नहीं यार इट्स नॉट क्या कर रहे हो सीरियसली छत्तीस सर्वेश कुमार भारती श्वेता करेक्ट आंसर इट इज थर्टी थ्री प्लस वन वॉट इज थर्टी थ्री जजेज वॉट इज वन सीजे आई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कब हुआ था ये चेंज वेन एस ए बोबड़े ठीक है आ, जो कि लास्ट टू लास्ट टू लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ठीक है यानी कि 2020 तो 2020 में ये चेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है जजेस की उसको बढ़ा के 34 कर दिया गया था बाय बाय 34 इट मींस 33 प्लस वन यानी कि 33 थ्री जजेस प्लस वन चीफ जस्टिस ऑफ दी कंट्री सो so 34 इज दी स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अभी भी क्या चौतीस जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है ठीक है तो जस्टिस दीपांकर दत्ता नए जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट के एंड ये अट्ठाइसवे नंबर के जज हैं यानी वैसे तो स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट की 34 है बट 34 फोर जजेस है नहीं सुप्रीम कोर्ट में ठीक है जस्टिस दीपांकर दत्ता जो है अब 28 ये ट्वेंटी एट्थ जज हैं बेसिकली तो 34 फोर जजेस में से 28 एट जजेस ही आपके सुप्रीम कोर्ट में हैं, अब ये यहां पे ध्यान रख ध्यान ध्यान रखना बस कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज बने जस्टिस दीपांकर दत्ता इनको ओथ दिला, दिलाने वाले कौन थे दैट वाज दी करंट सीजीआई ऑफ द कंट्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इनको ओथ यहां पे दिलवाई थी इन दी सुप्रीम कोर्ट इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑल अदर जजेस ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट ठीक है तो ओथ दिलाने वाले यहां पर कौन सीजीआई मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन डैश स्ट्राइकर्स Uh, को मिला देवर क्राउंड एज चैंपियंस ऑफ टेनिस प्रीमियर लीग 2022 नाउ जैसे कबड्डी प्रो लीग एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट है जो कि देश में होता है टेनिस प्रीमियर लीग 2022 हजार बाईस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अवॉर्ड डेली मुंबई बेंगलुरु हैदराबाद बिल्कुल सही बी रैंडम प्रतिष्ठा करेक्ट आंसर हैदराबाद इज दी करेक्ट तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स को मिला है टेनिस प्रीमियर लीग का अवार्ड सो so, है, ये ये है 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 हैदराबाद स्ट्राइकर्स तो so, हैदराबाद स्ट्राइकर्स को चैंपियंस ऑफ फोर्थ टेनिस प्रीमियर लीग का अवार्ड दिया गया पुणे महाराष्ट्र में ये स्पोर्ट्स का इवेंट आपका कंडक्ट करवाया गया था किस टीम को हरा के ये जीते हैं ठीक है, है? हैदराबाद स्ट्राइकर्स बेसिकली मुंबई लियोन आर्मी को हरा के इन्होंने ये प्राइज यहाँ पे जीता है ठीक है Guys, uh one request. So, uh there are 55 people watching and then why there are only 25 likes? i am not moving ahead until you like the session. Come on, yaar it's a motivational factor for me also. तुम like करोगे, that will give me a sense, that will give me a satisfaction कि okay, I'm teaching good, I'm teaching correct for you. तुमको समझ में आ रहा है? अगर तुम like नहीं करोगे, इतना major disappointment for me. यानी तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काइंडली लाइक द सेशन उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे यस कम ऑन थर्टी सेवन थर्टी सेवन थर्टी सेवन थर्टी नाइन ओके थैंक यू सो मच ओके मूविंग अहेड इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहां पे इनोग्रेट किया गया है तमिलनाडु केरला कर्नाटका आंध्र प्रदेश हाँ जल्दी जल्दी लाइक करो कम ऑन कम ऑन फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स पहुंच गए हम ओके थैंक यू प्रियंका दिवाकर प्रणाम रवि प्रकाश द्विवेदी केरला एब्सोल्युटली करेक्ट बी रैंडम दीप्ति द्विवेदी लाडली करेक्ट आंसर तो केरला में देखो इंडिया का पहला केरला के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने एक सीड फार्म है आपका केरला uh, में उसको डिक्लेयर किया है एज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन दी कंट्री कार्बन न्यूट्रल यानी कि जहां पे सबसे कम आपका कार्बन एमिशंस जो होते हैं पॉल्यूशन फैलाते हैं एनवायरमेंट के लिए क्लाइमेट चेंज उस सबसे तो फर्स्ट फार्म uh, है ऐसा कंट्री का देश का जो कि कार्बन न्यूट्रल है कहां पे है केरला में है तो देश का एक ही ऐसा स्टेट है इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वन है इसलिए दिस इस न्यूज गेट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन अब ये मैंने कल आपको बताया था B20 के बारे में याद है वाई ट्वेंटी बी ट्वेंटी जी ट्वेंटी ठीक है सारे जी ट्वेंटी के अलग अलग पार्ट्स हैं ये तो जो B20 है उसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं तो एन चंद्रशेखर कहाँ के चेयरमैन है सॉरी एन चंद्रशेखर कहाँ के चेयरमैन है जिनको बी का भी चेयरमैन अपॉइंट किया गया है एन चंद्रशेखरन का यार अभी ये पर्सन बहुत ज्यादा न्यूज़ में था तो तुमको ये तो पता ही होनी होना चाहिए कि ये कहां के चेयरमैन है यस बी रैंडम करेक्ट आंसर टाटा ग्रुप क्यों फेमस हुआ ये पर्सन अभी द एयर इंडिया पीइंग इंसिडेंट ठीक है वो जो लड़की वो जो महिला जिसने कंप्लेन की वो जो ओल्ड लेडी शंकर मिश्रा जो भी है वो पर्सन जिन्होंने पी किया यूरिनेट किया उनके ऊपर तो ये 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 पर्सन पर्सन क्यों फेमस हुआ इसलिए फेमस हुआ क्योंकि इसके पहले किसी को नहीं याद था कि टाटा के चेयरमैन कौन है लेकिन क्योंकि वो महिला ने कंप्लेंट ही इसको लि, इनको लिखी थी और उसके बाद ही द मैटर गॉट सो मच तो दिस पर्सन गॉट वेरी फेमस तो इसलिए ध्यान रखना कि एन चंद्रशेखरन जो है आपके वो टाटा सन्स जिसे एक्वायर किया गया है जिन्होंने एयर इंडिया को एक्वायर किया है तो टाटा सन्स के जो है ये चेयरमैन है तो इसलिए एयर इंडिया भी इनके अंडर में ही यहां पे आता है और इनको बी ट्वेंटी का भी चेयरमैन अपॉइंट किया गया है बी ट्वेंटी अगेन किससे रिलेटेड है जी ट्वेंटी से रिलेटेड है ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन देश का कौन सा पहला स्टेट है जिसने अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन चालू किया है क्लाइमेट चेंज यानी कि पानी का स्तर बढ़ रहा है ठीक है बर्फ पिघल रही है सॉइल इरोड हो रही है डिफोरेस्टेशन हो रहा है जोशी मठ हो रहा है ऑल दिस इज वॉट क्लाइमेट चेंज तो देश का कौन सा पहला स्टेट है जिसने अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन स्टार्ट किया है ओके okay, किसी ने भी करेक्ट आंसर नहीं दिया ये वाला द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु ठीक है तमिलनाडु के बारे में कुछ स्टैटिक चीजें देख लो तमिलनाडु के करंट सीएम है एमके स्टालिन गवर्नर है आरएन रवि एंड तमिलनाडु का कैपिटल क्या है चेन्नई तो तमिलनाडु इज द पहला इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन स्टार्ट किया है Moving on to next question. KCR ने लॉन्च किया भारत राष्ट्र समिति पार्टी आफ्टर ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूवल देश में कितनी नेशनल पार्टीज हैं अगेन ये ये न्यूज करंट अफेयर्स भी आपका बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है आ, आपकी महाराष्ट्र में जो सरकार गिरी उसको लेके ठीक है उद्धव ठाकरे वगैरह को लेके तो आ, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देश में नेशनल पार्टी कितनी है अभी आम आदमी पार्टी भी न्यूज में थी उस चक्कर में ग्यारह बी रैंडम तुमने गेस्ट करते करते सही आंसर दे दिया ठीक है यस प्रफुल कौशल करेक्ट आंसर लाडली करेक्ट आंसर सो देर आर देर आर ओके एक बार उस पर आएंगे नेशनल पार्टीज के ऊपर आएंगे इसके पहले मैं न्यूज बता देती हूं तो इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली इन्फॉर्म किया है टीआरएस प्रेसिडेंट एंड चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को कि उन्होंने उनका नाम चेंज एक्सेप्ट कर लिया है तो पार्टी का नाम कर दिया गया है तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति पार्टी का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है ये है आपकी देश की नेशनल पार्टीज ठीक है ये कौन सी कांग्रेस ये कौन सी बीजेपी बहुजन समाज पार्टी दिस इज सी पी आई सीपीआई उसके बाद टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी ठीक है शरद पवार की जो पार्टी है दैट इज योर लास्ट वन तो यह है देश की uh, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ नेशनल पार्टी ठीक है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड चैंपियन कहा के सिडनी मैकलोरिन लेबर एंड स्वेडिश पोल वॉल्टर मॉन्डो डुप्लांटिस ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है तो हर्डलर सिडनी मैकलाफलिन कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं सॉरी नाइन्थ या ओके माय बैड इट्स नाइन देर आर नाइन नेशनल पार्टीज इन कंट्री आम आदमी पार्टी इज द रीसेंट वन जो कि बनी हुई है माय बैड नो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू यूएसए ठीक है तो मैकलॉर लेबर एंड मोंडो डुप्लांटिस को मिला है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड अगेन इंटरनेशनल लेवल पे इट्स एन इंपॉर्टेंट अवार्ड जो कि स्पोर्ट्स फील्ड में आपका दिया जाता है सो दिस अवार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इसका ध्यान रखना मै क्लॉरन एंड मोंडो डुप्लांटिस मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन स्किप दिस ठीक है ये छोड़ देते हैं हां पोप्स मोस्ट पावरफुल वीमेन्स लिस्ट 2022 की निकाली गई है किस वुमेन ने इस लिस्ट को टॉप किया है पोब्स की मोस्ट पावरफुल वुमेन्स लिस्ट आपकी निकाली गई है 2022 की किस वुमेन ने इस लिस्ट को टॉप किया है

एबिगेल जॉनसन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट फिफ्थ पोजिशन इंडिया में इसमें कौन कौन रहा है निर्मला सीतारमन दी करेंट फाइनेंशियल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वो रही है इसमें थर्टी सिक्स पोजिशन पे रोशनी नदार मल्होत्रा एच सी एल को हेड करती है फिफ्टी थर्ड पोजिशन मदा भाई पुरी बुच सेबी को हेड करती हैं 54th पोजीशन सोमा मोंडाल सेल को हेड करती हैं 67th पोजीशन किरण मजूमदार शॉ बायोकॉन हेड 77th पोजीशन फाल्गुनी नायर नायका हेड 89th पोजीशन ठीक है अब इसमें सारा नहीं याद रखना है जस्ट रिमेंबर द फर्स्ट वन एंड इंडिया से कौन टॉप पे रहा है इस लिस्ट में दैट इज निर्मला सीतारमण द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री 36th पोजीशन ओके okay?

परिनिर्वाण दिवस ऑब्जर्व किया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस इज रिलेटेड टू डॉक्टर अंबेडकर एंड डॉक्टर अंबेडकर का एक मेमोरियल भी यूपी गवर्नमेंट बिल्ड करने वाली है ओके okay. हायर बी रैंडम पढ़ के आया इसके सारे आंसर सही हो रहे हैं सिक्स दिसंबर इज द करेक्ट आंसर सिक्स दिसंबर इज वेन बी सेलिब्रेट दी महापरिनिर्वाण दिवस ठीक है तो महापरिनिर्वाण दिवस बेसिकली आपका है क्या डॉक्टर बी आर अंबेडकर की जो डेथ एनिवर्सरी है उसे सेलिब्रेट किया सॉरी सेलिब्रेट नहीं किया जाता है उसे ऑब्जर्व किया जाता है एज दी महापरिनिर्वाण दिवस ठीक है थर्ड अप्रैल 1952 इनका बॉर्न हुआ था सिक्स दिसंबर 1956 इनकी यहां पे नहीं सॉरी गलत बोल दिया मैंने ओके हाँ सो डेथ एनिवर्सरी है इनकी ये एंड यूपी गवर्नमेंट जो है बेसिकली इनका एक मेमोरियल बिल्ड करने वाली है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन कौन सी सेलिब्रिटी फीमेल आर्टिस्ट ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी अनवील की थी नाउ दिस वाज अ न्यूज क्योंकि इनके जो पति हैं वो भी इनके साथ स्टेडियम में पहुंचे हुए थे और वो काफी खुश होकर दिखा रहे थे वो देखो मेरी वाइफ फीफा की वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अनवील कर रही है आई एम सो प्राउड ऑफ हर एबसलूटली करेक्ट दीपिका पादुकोण नाउ ये न्यूज इसलिए भी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी ठीक है क्योंकि दिस इज द सेम टाइम जब पठान कंट्रोवर्सी हुई थी कि दीपिका ने जो सैफरन कलर के कपड़े पहने हुए हैं पठान के एक सॉन्ग में ये कंट्रोवर्सी चल रही थी साथ में कुछ लोगों के इस तरीके के कमेंट्स आ रहे थे कि देखो कितनी प्राउड मोमेंट होना चाहिए भारत के लिए कि भारत की एक एक्ट्रेस एक फीफा की वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो है वो अनवील कर रही है और यहाँ लोग पठान और दीपिका के कपड़ों पर ध्यान दे रहे हैं कि उन्होंने सैफरन कलर के जो है वो कपड़े पहने हुए हैं तो दीपिका ऐसी पहली देश की एक्टर या एक्ट्रेस बोल सकते हैं बनी है जिन्हें ये ऑनर मिला है जिन्होंने फीफा की वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो है वो अनवील की थी सो so, जो आपका मैच था 18 दिसंबर को फाइनल स्टेडियम में वहां पे ये ट्रॉफी उनके द्वारा अनवील की गई थी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन लाइक आई सेड जी से रिलेटेड हर न्यूज आपकी इंपॉर्टेंट है तो जी की शेरपा मीटिंग राजस्थान में करवाई गई थी फिफ्थ से सेवन दिसंबर तक कहां कहा जी ट्वेंटी शेरपा मतलब देश में जी ट्वेंटी के कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो देश को रिप्रेजेंट करेंगे इन जी ट्वेंटी ग्रुप तो ये शेरपा मीटिंग आपकी राजस्थान में हुई थी कहां पे? फिफ्थ से सेवन दिसंबर तक बिल्कुल सही नो no. नहीं, 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 नहीं जैसलमेर और अर्पित प्रजापति करेक्ट आंसर जैसलमेर में ये शेरपा मीटिंग आपकी करवाई गई थी इंडिया के शेरपा कौन है ये ठीक है अमिताभ घोष जो हैं इंडिया के शेरपा हैं यानी कि इंडिया को जी ट्वेंटी मीटिंग में ये रिप्रेजेंट करेंगे राजस्थान में इनकी जो है वो मीटिंग करवाई गई थी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्राइजेस दिए हैं टू विनर्स ऑफ हिंदी पखवाड़ा नेशनल हिंदी दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है अमिताभ अमिताभ कांत हैं कि अमिताभ घोष हैं भ घोष फोर्टीन सेप्टेम्बर एप्सलूटली करेक्ट हिंदी दिवस हमारे स्कूल में एक इकलौता दिन होता था जिस दिन हमको हिंदी बोलने दी जाती थी क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे तो हिंदी बोलना वो स्ट्रिक्ट नो नो तो स्कूल का इकलौता ऐसा दिन साल का इकलौता ऐसा दिन जिस दिन हिंदी बोलने पे फाइन नहीं लगता था और उस दिन आप हिंदी बोल सकते थे ठीक है द करेक्ट आंसर इज 14th ऑफ सितंबर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपॉइंट किया है किस पर्सन को एज दी निक्षय मित्र एंबेसडर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने किस पर्सन को अपॉइंट किया है एज दी निक्षय मित्र एंबेसडर अगेन दिस प्रोग्राम जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है उसको एलिमिनेशन करने के लिए दर इज वन डिसीज जो की इंडिया एलिमिनेट कर चुका है दैट इज पोलियो ठीक है नाउ टीबी को एलिमिनेट करने के लिए देश से यह मिशन आपका लॉन्च किया गया है टीबी मुक्त भारत ठीक है तो किस पर्सन को इसका एम्बेसिडर बनाया गया है दीपा मलिक एब्सोल्युटली करेक्ट नाम आपका इन्होंने सुना होगा पैरालंपिक से ठीक है तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बेसिकली जो है जो प्रेसिडेंट है पैरालंपिक ऑफ इंडिया डॉक्टर दीपा मलिक उनको मित्र का एम्बेसिडर बनाया है व्हाट इज द स्कीम व्हाट किससे डील करती है ये इंडिया को एक टीबी मुक्त नेशन बनाने के लिए टीबी मुक्त भारत आपका बनाने के लिए तो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर की जो टीबी मुक्त भारत अभियान है उसके अंडर में ये इनिशिएटिव आपका कवर किया गया है नेक्स्ट वन तो भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फाइनली एक और टीम बदल दी है काफी ज्यादा इसके चक्कर में ये न्यूज में रहे हैं जी ट्वेंटी मीटिंग वाला गलत है अच्छा तो वॉट दी करेक्ट आंसर इट्स वॉट्स द करेक्ट आंसर बता दो इफ इट्स रॉन्ग इट्स उदयपुर अच्छा ठीक है गाइस करेक्शन जी ट्वेंटी की मीटिंग उदयपुर में हुई थी ठीक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 मिलियन यूरो का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कौन से क्लब के साथ क्लब का नाम तो दिया है क्लब कौन से नेशन का है इजिप्ट सऊदी अरेबिया यूएई क्वेत सऊदी अरेबिया एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर अच्छा क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इस साल काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं फीफा की वजह से क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में कुछ इनके भी अच्छी कुछ पर्सनल अचीवमेंट्स इनके खुद के भी रहे हैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले मेल प्लेयर बने हैं जिन्होंने पांच के पांचों वर्ल्ड कप्स में स्कोर किया है यानी एक ना एक गोल तो इन्होंने मारा ही है तो पांच के पांच वर्ल्ड कप्स में इनका स्कोर रहा है ऐसे करने वाले ये सबसे पहले मेल प्लेयर बने हैं दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ठीक है नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी के एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि सीएम ने यहां पे लॉन्च की थी वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट देर आर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन यूपी बी रैंडम रूपाली सिंह एब्सुलटली बी हाँ करेक्ट आंसर 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके देश यूपी में तो बेसिकली देखो ये स्कीम ये है कि यूपी के जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं है ना हर डिस्ट्रिक्ट से एक स्पोर्ट रिकॉग्नाइज किया जाएगा ठीक है और उस स्पोर्ट्स को खेलने वाले कौन कौन लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको ट्रेन किया जाएगा ग्रूम किया जाएगा उस स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए ठीक है तो यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट का एक स्पोर्ट रिकॉग्नाइज किया जाएगा एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज लोगों को इंकरेज किया जाएगा ग्रूम किया जाएगा कि कैसे उनको स्पोर्ट्स में बेटर किया जा सकता है नेक्स्ट वन हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप कंपनी जो है इंडिया का पहला रियल टाइम एक ऐसी एटीएम मशीन जो कि गोल्ड निकालेगी क्या नाम है स्टार्टअप कंपनी का सो द नेम इज ये क्वेश्चन एक मिनट सही तरीके से आया नहीं है तो आई एम पुटिंग इट इस स्टार्टअप कंपनी का नाम क्या है दैट इज गोल्ड सिक्का एक ऐसी एटीएम मशीन बेसिकली आपकी बनाई गई है जो कि गोल्ड के सिक्के निकालेगी ठीक है तो स्टार्टअप का नाम है यहां पे गोल्ड सिक्का तो गोल्ड सिक्का जो है आ, इन्होंने सपोर्ट लिया है हैदराबाद है की एक स्टार्टअप कंपनी से ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी और पहला गोल्ड एटीएम देश का लॉन्च किया गया है इंडिया गोल्ड एटीएम ठीक है एंड वर्ल्ड का भी पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम तो बेसिकली ये एटीएम मशीन क्या करेगी सिक्के निकालेगी गोल्ड के कॉइन्स निकालेगी जीरो पॉइंट फाइव ग्राम से लेकर सौ ग्राम तक के सिक्के इस गोल्ड की मशीन से जो है वो निकाले जाएंगे मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन कौनसी सिटी की मेट्रो ने सक्सेसफुली एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है लॉन्गेस्ट डबल डेकर मेट्रो जो है कंस्ट्रक्ट करके तीन हजार एक सौ चालीस मीटर की कौनसी सिटी ने देश की कौन सी सिटी ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे लार्जेस्ट डबल डेकर मेट्रो बनाने का बस यार अभी खत्म हो जाएंगे थोड़े से ही बचे हुए हैं नो, करेक्ट आंसर इज नागपुर ठीक है अब ये डबल डेकर क्यों है ये डबल डेकर क्यों है इसको यहां पे समझना दिस इज डबल डेकर यानी कि मेट्रो डबल डेकर नहीं होगी डबल डेकर का मतलब यहां पे ये है किसी ये रही आपकी सड़क ठीक है नीचे है एक सड़क सड़क के ऊपर है क्या आपका एक फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर चल रही है मेट्रो यानी नीचे सड़क सड़क के ऊपर फ्लाईओवर फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो की लाइन तो इसलिए इसको बोला गया है क्या डबल डेकर पे बनाया गया है नागपुर में कंस्ट्रक्ट किया गया है जो कि अपने आप में गिरीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका बना है ठीक है तो नागपुर मेट्रो ने गिरीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका बनाया है लॉन्गेस्ट डबल डेकर मेट्रो लाइन कंस्ट्रक्ट करके तीन मीटर की है ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसको हंड्रेड डॉलर बिलियन इन रेमिटेंसेज आए हैं अब जिनको रेमिटेंसेज नहीं पता है रेमिटेंसेज का मतलब यह है जो लोग देश के बाहर रहते हैं यानी कि जो एन आर आईज हैं अगर एन आर आईज जो बाहर की कंट्री में रह रहा है वो देश में जो पैसा वगैरह भेजता है अपनी फैमिली को अपने फ्रेंड्स को या देश में वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है बाहर से पैसा भेज के वो सब रेमिटेंसेस कहलाता है तो इंडिया देश की सबसे वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसको सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस मिला है यानी कि हंड्रेड बिलियन डॉलर्स का किसकी रिपोर्ट के हिसाब से सॉरी करेक्ट आंसर नहीं आया हां द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इज द कंट्री फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसको हंड्रेड बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस के फॉर्म में रिसीव किए गए हैं ओके चलो, फटाफट फड़ जल्दी से बता बता दो, session आपको कैसा लगा? तो भी सकते हो कि क्या अच्छा नहीं लगा एंड अगर अच्छा लगा तो वो चीज भी बता देना अब यार एक चीज सुन लो अब मैंने इतनी देर तक बोला है पांच मिनट और मेरी बात सुन लो पांच मिनट की बात ये है कि यार, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी जुडिशरी महापैक के बारे में तो देखो ऐसा है कि क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग एक सेशन की तो तैयारी करनी रहे हो सॉरी एक स्टेट की तो तैयारी कर नहीं रहे हो बहुत सारे स्टेट्स की आप तैयारी कर रहे हैं ठीक है तो ऐसे में स्टडी आई क्यू जुडिशरी आपके लिए लेके आया है क्या स्टडी आई क्यू जुडिशरी महापैक अब महापैक महा के देखो फायदे क्या है महापैक के फायदे ये हैं कि इंडिया के जो मेजर 16 स्टेट्स हैं जिसमें जुडिशरी का एग्जाम करवाया जाता है उन 16 स्टेट्स का पूरा पूरा सिलेबस आपको एक कोर्स में दिया जा रहा है एंड बाय पूरा सिलेबस आई I मीन mean पूरा सिलेबस यानी कि मेजर सब्जेक्ट्स माइनर सब्जेक्ट्स लोकल लॉज जी करंट अफेयर्स अफेयर लीगल करेंट अफेयर सोलह टेस्ट सीरीज सोलह स्टेट्स के पास्ट ईयर के पेपर्स ये सारी चीजें एक ही कोर्स में मिल रही हैं ठीक है और को, कोर्स का प्राइस देख के यू विल गो क्रेजी यू विल गो शॉक्ड रीजन बीइंग व्हाई देखो किसी भी एक स्टेट की तुम टेस्ट सीरीज खरीदते हो ना किसी भी एक स्टेट की टेस्ट सीरीज अकेली कितने की आती है हजार रुपए की आती है 16 स्टेट्स की टेस्ट सीरीज खरीदी कितनी हुई सोलह हजार रुपए की हुई अब तुमको लग रहा होगा ये मैम ये कोर्स भी बहुत महंगा होगा एक कोर्स में आप सोलह स्टेट्स टारगेट कर रहे हो तो आपने कम से कम बनाया होगा एक, एक डेढ़ लाख का कम से कम पचास हजार का तो होना ही चाहिए था ना राइट तो इतने का है नहीं ये कोर्स आपका द कोर्स इज वेरी वेरी अफोर्डेबल सी वी बिलीव इन वन थिंग इंडिया का हर बच्चा जो जज की तैयारी कर रहा है जो जुडिश्री एग्जाम्स क्लियर करना चाहता है देश का हर बच्चा एक लाख डेढ़ लाख दो लाख अफोर्ड नहीं कर सकता ठीक है वी वी कंप्लीटली गेट इट एंड डोंट वांट दैट कि ये चीज एक हर्डल आपके लिए बन के आए कि भाई हम जज नहीं बन पाए हम एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास डेढ़ दो लाख नहीं था तैयारी करने के लिए ये कभी रीजन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए ठीक है तो इसके लिए आपको सिर्फ यहां पे अप्लाई करना है ए आर जे

तुम्हारे सामने एमपी की वैकेंसी होगी तुम्हारे सामने राजस्थान खड़ा होगा तुम्हारे सामने हरियाणा होगा बिहार होगा झारखंड होगा और भी कोई एक स्टेट हो सकता है ठीक है अब ऐसे में तुम परेशान हो सकते हो कि यार मुझे एमपी भी पढ़ना है क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग एमपी भी दें दिल्ली भी दें एमपी भी दें राजस्थान भी दें राजस्थान भी दें हरियाणा भी दें राइट अब ऐसे में आपके सामने प्रॉब्लम यही आ सकती है कि यार मैं तैयारी कैसे करूं मुझे यहाँ के भी सब्जेक्ट्स पढ़ना है यहां के भी पढ़ना है कहीं पे जीके है तो कहीं पे लीगल करंट अफेयर्स है ऐसे में दिस कोर्स कैन प्रूव वेरी हेल्पफुल टू यू की अगले एक साल में कितनी वैकेंसी आनंदो तुम्हारे पास कोर्स मटेरियल सबका अवेलेबल होगा अगर आपको दो साल का लेना है दो साल का ले लो 2024 तक आपको वेट करना है 2025 तक वेट करना है तो सेम कोड लगा के सत्रह में आपको दो साल का कोर्स भी मिल जाएगा ठीक है प्लस मैंने आपको हां जी वेस्ट बंगाल के लिए भी कोर्स है वो मैं दिखा देती हूं अगर एक ही स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो इंडिविजुअली आप स्टेट कोर्स परचेज कर सकते हो ये रहा वेस्ट बंगाल का कोर्स ठीक है तो इंडिविजुअली अगर किसी स्टेट का कोर्स लेना है या फिर बेसिक फाउंडेशन कोर्स अगर लेना है आपको स्टडी आईक्यू जुडिश्री का

जुडिशरी का नॉर्मल कोर्स लेना है स्मार्ट कोर्स लेना है जिसमें एक स्टेट की तैयारी होती है तो बेशक वो ले लो वो दस हजार चार सौ निन्यानवे यूपी की टेस्ट सीरीज जितनी ज्यादा जितनी ज्यादा पॉसिबल है टेस्ट सीरीज सॉल्व करो मॉक टेस्ट पेपर वगैरह आपके सॉल्व करो वो भी स्टडी आई क्यू जुडिशरी की वेबसाइट पे अवेलेबल है उसका प्राइस बारह सो निन्यानवे वन टू नाइन नाइन दिखेगा टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ और सिर्फ नाइन 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 में मिल जाएगी बाय यूजिंग द सेम कोड एर जे ठीक है so करंट अफेयर्स ला, अभी हमारे बहुत बचे हुए हैं पांच सौ क्वेश्चन अभी पूरे तो हुए नहीं है तो कल दो बजे मैं आपसे फिर से मिलूंगी आगे के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे शाम को आईपीसी का रिविजन होगा सात बजे ठीक है शाम को आईपीसी का रिवीजन में लूंगी सात बजे uh, कल हमने सेक्शन नंबर फिफ्टी फोर तक डिस्कस कर लिया था आईपीसी के रिवीजन में आज हम आगे का डिस्कस करेंगे uh, आगे के सेक्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे ठीक है थैंक यू शांतनु मारिक थैंक यू फॉर दी कॉम्प्लीमेंट चलो गाइस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अटेंडिंग द सेशन लाइव सेशन अच्छा लगा लाइक कर देना यार प्लीज शेयर करो जितना ज्यादा पॉसिबल है सेशन इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि एंड चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब टू दी चैनल एज वेल ओके सो शाम को मिलते हैं सात बजे टेक केयर ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन बाय बाय